एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। रात के बजे हैं 8 और मैं आई हूँ आज पहली बार टोरंटो में। आपको बैकग्राउंड का जो व्यू है वो देख के पता चल ही रहा होगा। और मैं आई हूँ एक बहुत ही फेमस जगह, वो है नेथन फिलिप्स स्क्वायर। और यहाँ पे ना एक 3D टोरंटो का साइन है और दूसरा उसके बिल्कुल सामने आइस रिंक है। वहाँ पे मुझे आइस स्केटिंग करनी है। आइस स्केटिंग भी मैं पहली बार करने वाली हूँ, सो एक्साइटेड हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है आज, तो अभी देखते हैं, चलते हैं आगे। इधर आइस रिंग के पास ही ना, इधर सामने यहाँ पे पीछे दिख रहा है ना स्केट्स, यहाँ पे स्केट्स जो है रेंट पे मिल जाते हैं जिनके पास नहीं है। और जो रेंट है ना $15 है 2 घंटे का, और जो 12 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनका रेंट $10 है। एक आईडी उनको देना होता है और अपना साइज बताना होता है। ट्राई कर लो, साइज ठीक नहीं है तो दूसरे दे देते हैं वो चेंज करके। और एक चीज़, जो रेंट है ना वो 2 घंटे का होता है, बट अगर आप 8 बजे आ रहे हो तो 9:30 तक ही आपको करने को मिलेगा, और 9:30 पर रिटर्न करना होता है क्योंकि 9:30 पर जो है बंद हो जाता है। तो अभी मेरे पास 1 आवर है, 8:30 हुआ है, तो 1 आवर मैं ट्राई करती हूँ और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगी। तो अभी चलते हैं स्केट करने। टाइम हो गया 9:30 और मैंने अपने जो स्केट्स हैं वो रिटर्न कर दिए हैं। और 1 घंटे में ना मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैंने खड़ा होना सीखा और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, तो मैंने बस खड़ा होना सीखा और बहुत थोड़ा सा ट्राई किया बस, बहुत मुश्किल से। तो जो लोग पहली बार करते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा टफ तो है, डर लगता है कि कहीं गिर ना जाएँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ वालों ने उनको थोड़ा बहुत आता था उन्होंने कर लिया, बट मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था लाइफ में, फर्स्ट टाइम किया था। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब आया एक दो बार गिर के, तो मैं अभी क्लिप डाल देती हूँ, इसमें आप देख लेना। पीछे ना ये 3D टोरंटो साइन है, बहुत ही अच्छा सा है, लोग यहाँ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। और ये ना फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग कलर चेंज होता है, फिर क्रिसमस पे अलग तरह से दिखता है, न्यू ईयर पे अलग तरह से दिखता है, इस तरह हर फेस्टिवल पे ये बहुत अच्छा सा अलग अलग तरह से कलर इसके चेंज होते हैं। ये मेरे पीछे जो सुंदर सी बिल्डिंग है ना, ये ओल्ड सिटी हॉल है। और ये बिल्डिंग ना 100 साल से भी पुरानी है, आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं। और ये भी जो है काफ़ी फेमस है यहाँ पे, और रात में जो बहुत ही सुंदर सा इसका व्यू दिखता है। सो आज के लिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो करना है सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।